क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बक्सर में मुख्यमंत्री ने किया जैविक खेती का निरीक्षण, सीएम नीतीश कुमार ने किसानों से की बातचीत। नवादा में किसानों ने संग्रहालय में दिया धरना, केंद्र पर धान खरीदी ना होने पर है नाराज। सहरसा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। सहरसा में बाइक सवार युवक की ऑटो से हुई टक्कर, ऑटो में फंसा युवक। नालंदा में कुएं में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे, जहां सीएम ने जैविक खेती का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों से बातचीत भी की। किसान ने बताया कि इनके अतिरिक्त उन्होंने तकरीबन 8 एकड़ में पपीते की खेती भी की है। साथ ही किसान ने बताया कि खेती के दौरान उन्हें जंगली पशुओं से नुकसान पहुंचने की समस्या सबसे ज्यादा होती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने डीएम को तुरंत इससे मुक्ति दिलाने के निर्देश दिए। कहीं भी जो भी काम किया गया है, तो हम कहीं आ जाते हैं तो उसके लिए भी जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, देख लिया तो हमने कहा उसको बेहतर बनाना होगा। सब जा करके ये सब देख ही रहे, ठीक ही है, उसी सिलसिले में आ रहे और उसी सिलसिले में देख रहे हैं। लोगों का विचार भी जानते हैं, लोगों की कोई समस्या हम भी सुनते हैं। ये सब मेरा उद्देश्य ही है जानने का, ताकि और कैसे इसको बढ़ाना है इलाके को। असल गरीब गुरबा तबके के इलाकों में भी जा करके देखते हैं, खास करके तो भाई विकास का मतलब क्या है, जो सबसे पीछे इलाके में है वही ना आगे बढ़ रहा है, तब पता चलता है। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमसे जुड़ेंगे। धीरज, नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जैविक खेती का निरीक्षण किया है, वहीं किसानों से भी बातचीत की, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? टिमरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और ये जैविक खेती को लेकर और किसानों से भी बातचीत की और इसको भी बढ़ावा दिया। इसको लेकर वहाँ के सारे किसान भी उपस्थित है हजारों की संख्या में, और जैविक खेती को लेकर यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और जाना, और यहाँ पर मुख्य मुख्य बातों को लेकर यहाँ के जिला अधिकारी को भी मुख्यमंत्री भी निर्देश दिए जैविक खेती को लेकर। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। नवादा में अखिल भारतीय जिला किसान सभा ने संग्रहालय के सामने धरना दिया। बता दें कि किसानों ने मेहनत करके और कर्ज लेकर धान उगाई की थी, जिसकी केंद्र पर खरीदारी नहीं हो रही है। मजबूरन किसान बाजार में अपना धान औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, तो वहीं सरकार अभी तक खेती के लिए बिजली तक मुहैया नहीं करा पाई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय किसान समिति सेक्टर ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रही है।
रबी के फसल के दौरान भी जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए हो गया है कि यूरिया खाद की कमी यहाँ नहीं है। जो 265 रुपया में सरकारी रेट है उसी यूरिया के पैकेट को 500-600 रुपया में ब्लैक में बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ तक क्रय केंद्र का सवाल है, एक तो किसान बहुत मुश्किल से इस मारा की अवस्था में भी बहुत परिश्रम करके कुछ धान उपजाया और जो धान उपजाया उसको पैक्स में खरीदने में कालाबाजारी हो रहा है। ये अजीब स्थिति है। सहरसा में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक युवक को गोली मार दी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। साथ ही बदमाशों के पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही लूटी गई बाइक और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। तो वहीं हेडक्वार्टर DSP ने सदर थाने में प्रेस वार्ता कर मीडिया को पूरी वारदात की जानकारी दी है। सभी अपराधी बिहार थाना क्षेत्र के आरन गांव के रहने वाले हैं। पुलिस 3 को गिरफ्त में लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। राजेश कुमार, 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ये घटना 16 जनवरी 2023 की है। करीब 7:30 बजे शाम में जा रहे थे। उनके साथ एक छिनतई की घटना का प्रयास किया गया, छिनतई किया गया इनके, और छिनतई के क्रम में जब इन्होंने थोड़ा प्रतिरोध किया तो गोली चलाई गई, जिससे बलराम कुमार जो है घायल हो गए। इसकी सूचना जो है मंजेश कुमार जिनके साथ थे उनके द्वारा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस त्वरित गति में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी और उसी समय हमारे SDPO साहब संतोष कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें हमारे SHO सुधाकर जी थे और रहमान अंसारी जो इस कांड के IO भी हैं वो लोग थे और टेक्निकल सेल के कर्मी थे। इन लोगों ने पूरा रात खोजबीन कर मेहनत करते हुए जो अपराधकर्मी थे, जो 3 अपराधकर्मी थे, 3 को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास जो मोबाइल छीना गया था वो भी मिल गया। और गिरफ्तारी क्रम में इनके पास एक, जैसा आप देख सकते हैं, एक पिस्टल या कट्टा कह सकते हैं, ये मिला है एक कारतूस के साथ। सहरसा में आपसी जमीनी विवाद में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल सहरसा में चल रहा है। मामला बेहरा थाना क्षेत्र का है, जहां आपसी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक और उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। हमारा जमीन में टाट लग गए है, वो पछे ने सबका ऐसे से मार लेते रड से हमारा पप्पा का, और पछे से रड का मुकेश हमारे भाई से बचबे गले तो ओकरा पछे से भोला भन गेल के भोला से मारा। जी जी, क्या आदमी को मारा है? बोला 2 आदमी। अभी घायल कितने आदमी? 2 आदमी घायल है। कौन कौन घायल है? राम परवेश यादव और मुकेश कुमार। सहरसा में बाइक सवार युवक की ऑटो से टक्कर हो गई। इस दौरान युवक चलती ऑटो में फंस गया, जिसके बाद ऑटो चालक बेरहमी से जख्मी युवक को तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। बाद में युवक को बेरहम ऑटो चालक ने अंधेरा का फायदा उठाकर जख्मी हालत में युवक को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने जख्मी को सदर अस्पताल ले गए, जहाँ युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसके दादा का देहांत हो गया है, जिसमें ये मुंगेर से नभट्टा हेमपुर आ रहा था दादा के क्रियाकर्म में, लेकिन सहरसा से आने के बाद यहाँ दोरमा मोड़ के पास ब्रह्म स्थान है, जहाँ पर इसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, जिस ऑटो में यह फंस गया और ऑटो वाला इसको लगभग 1.5 किलोमीटर तक खींचता रहा और इस स्थिति में इसका पैर डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसका पैर काटना पड़ेगा और अभी बहुत लॉस हुआ है, पेशेंट अभी शॉक में है। ठीक है, बाकी जो यहाँ मेडिसिन चला रहे हैं, बाकी देखिए आगे क्या होता है। सर, पैर का क्या स्थिति है? पैर पूरा डैमेज है उसका, राइट फुट डैमेज है पूरा। क्या लगता है पैर काटना पड़ेगा? नहीं, अभी देखिए वैसा कुछ नहीं बोल सकता, अभी ट्रीटमेंट होने दीजिए, वो आगे का बात है। ठीक है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बोन भी टूट गया है। नर्स और सहरसा के समीप वहाँ दोरमा के मोड़ के पास इसको मोटरसाइकिल वाले ये टेम्पू वाले से जो है तो ठोकर लग गया। वो एक लमसम 1.5 किलो 2 किलोमीटर तक घिसते रह गया। डॉक्टर साहब बता रहा है इसका स्थिति अच्छा नहीं है, इसको।
इस खबर पर हमारे संवाददाता शिव कुमार हमसे जुड़ेंगे। शिव कुमार, बाइक सवार की युवक की ऑटो से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद युवक ऑटो में फंस गया था, इसके बाद ऑटो चालक द्वारा घसीटने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? जी, आपको बता दें कि ये करीब 1.5 किलोमीटर तक ऑटो बेरहमी से चालक जो बेरहमी से बाइक सवार को हेलो आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बाइक सवार और ऑटो के दौरान चलती ऑटो से फंसा, उसके बाद ऑटो चालक बेरहमी तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक घसता अधमरा युवक को बेरहम, ऑटो चालक अंधेरा का फायदा उठाकर जख्मी हालत में युवक को छोड़कर हुआ फरार। उसके बाद स्थानीय लोगों जख्मी को लाया सदर अस्पताल, जहां युवक की स्थिति बेहद नाजुक। वही परिजन का कहना है, जख्मी का इलाज कर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सक का भी कहना है कि कमर के नीचे पूरे पांव की हड्डी चूर चूर, ब्लड भी बहुत लॉस हो चुका है। जरूरत पड़ी तो युवक को बचाने के लिए पांव पड़ेगा काटना। जख्मी जो युवक है उनका घर नवट्टा थाना क्षेत्र के हेमपुर गांव का 25 वर्षीय कोमल कुमार के रूप में पहचान हुई है। जी धन्यवाद शिव कुमार तमाम जानकारियों के लिए। नालंदा में एक युवक का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला हरनौत थाना क्षेत्र के बिजली बाजार स्थित मीठी कुआं का है। शव की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के बघार गांव निवासी के रूप में हुई है, तो वहीं परिजनों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक के जाने की आशंका जताई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परसों तक आदमी उसको देखा था और बाद में पता नहीं चला। फिर सुबह आज 8 बजे मालूम हुआ कि मार्केट के गले कुआं में बड़ा हाथ बांधा था, कुआं में डाल दिया था। क्या लग रहा है किन पे हत्या का? हाँ मार ही कोई फेंक दिया है। किस पे हत्या का आरोप लग रहा है? हाँ मतलब सर कभी किसी को देखे हैं नहीं ना, जानकारी तभी शक तो नहीं हुआ है, छानबीन होगा तब पता चलेगा सर। किसी से कोई दुश्मनी भी? नालंदा में उत्पाद निषेध की टीम ने धंधेबाज की निशानदेही पर अस्थावा थाना क्षेत्र के मनोरमपुर ईट भट्टा और कुएं में छिपा कर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्पाद निरीक्षक राम नरेश महतो ने बताया कि गुप्त सूचना पर गौड़ागढ़ निवासी रोहित कुमार को 4 क्वार्टर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुआं और भट्टे में छिपा कर रखे गए करीब 50 क्वार्टर विदेशी शराब को बरामद कर लिया गया है। युवक पकड़े न, वही बयान दिया आज फलना जगह से माल लाए, तो फिर उसको लेके वहां गए जो गांव का नाम मनोरमपुर और वहां से फिर लाए हैं। एगो रूम छोटा सा है उसमें से, और गड्ढा कुआं था उसमें से, वहाँ से भी 2 आदमी पकड़े हैं। 4-5 आदमी के नाम बता रहा है, फल्ला फल्ला माल देता था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाएं हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन। आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आशियाना। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में बिहार शरीफ मुख्यालय में हाथ में देशी कट्टा लिए एक युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे फोटो के आधार पर युवक की पहचान बिहार शरीफ के सोसराय थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी चंदन कुमार के रूप में की जा रही है। बताया जा रहा है कि चंदन कुमार ने अपने फेसबुक आईडी पर हाथ में देशी कट्टा लेकर रील बनाकर उसे अपने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। उसी रील का किसी ने फोटो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि यह फोटो कब शूट करवाई गई है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। नालंदा में कराए पर सुराय थाना क्षेत्र के हिलसा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण मुरारी प्रसाद के नेतृत्व में अगार गांव में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया और कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ देसी कट्टा निर्माण करने वाले पार्ट पुर्जे भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि अगार पर गांव में राइफल निर्माण करने की भनक पुलिस को मिली थी। इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नालंदा में नामजद अभियुक्त अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये उत्तरनामा पंचायत के तत्कालीन मुखिया थे। इनके विरुद्ध प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अशोक कुमार द्वारा धोखाधड़ी कर योजना के नाम पर सरकारी राशि को नाली निर्माण और पीसीसी ढलाई कार्य समेत आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण में गबन करने एवं सरकारी योजना के क्रियान्वयन नहीं करने के आरोप में कांड प्रतिवेदित हुआ था। यह कांड अनुसंधान के क्रम में सही पाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की थी। नालंदा में सोगरा स्कूल के मैदान में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों के द्वारा एक युवक के शव को स्कूल के मैदान में लगे फुटबॉल गोल पोस्ट में लगा हुआ देखा गया। इसके सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं इस घटना में पार्षद मन्ना लाल यादव ने कहा कि शव को देखने से ऐसा लगता है कि हत्या कर शव को टांग दिया गया है, ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो। वहीं पुलिस भी मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से पूछताछ कर रही है। यहाँ पर पहले तो हमको जानकारी मिला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम बिहार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब को फोन किए। तो फोन करने के बाद फिर हम यहाँ आए तो देखे कि लाश टांगा हुआ सही में है। हमको भी वही बताया गया था, तो फिर देखे कि लाश यहाँ टांगा हुआ है। ऐसे लगता है कि ये कोई ला करके यहाँ टांग दिया है, और ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई देहात क्षेत्र का ये आदमी है। लगता है कि अपने से लटक गया है। कहाँ पर का ये मामला है तो मालूम नहीं हुआ है, हम लोग जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। पहचान भी नहीं हुआ? नहीं पहचान अभी। क्या लगता है प्रथम दृष्टि देखने में? प्रथम दृष्टि से लगता है कि स्वयं जो है मुफलर बांध के लटक गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार हमसे जुड़ेंगे।
वीरेंद्र स्कूल के मैदान में युवक का शव मिला है। आत्महत्या है, हत्या है, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी मैडम कुछ भी समय होता है, ये संदेह स्थिति में अभी रखा गया है, परिजन अभी पता नहीं संचार कर रहा है। प्रथम दृष्टि हत्या करके लटकाया गया है ऐसा बताया जा रहा है। धन्यवाद वीरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। नालंदा में सिलाव लाओ थाना इलाके के चंडी मऊ गांव में झाड़ी में दो युवकों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि दोनों युवक 3 दिन से लापता थे। इस पूरे मामले में गांव के युवकों पर ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। दोस्त है, छोटिया नाम के लड़का है, मतलब फोन करके इसको बुलाया है। अब बुलेला के बाद मतलब इसके बाद तो मिलिए नहीं रहा है, तो कल हो हम थाना में जाकर आवेदन दिए, कैसे से बात है, मतलब 112 नंबर के हम लोग फोन किए तो आया, मतलब जो लड़का मतलब बुलाया था वो भी लड़का साथ है, पकड़ा के चल गया। जखने ब्रह्मभोज कितने तारीख के थी? 15 तारीख। अच्छा, तब से वो माने गुमसुम। भागलपुर में नवगछिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस कार और ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर बेतिया से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने सूचना मिलते ही छापेमारी की। छापेमारी में अलग अलग जगहों से शराब मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान शराब भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में डीके शिकारपुर गांव के कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।